हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं जा रही हूँ नहाने, ये सब कपड़े वेयर करूँगी। और आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो मेरा ब्लॉग आने वाला है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते हुए एंजॉय करो। ठीक है, बाय। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं नहा करके आ गई हूँ। ये यहाँ पढ़ाई कर रहा है सुबह की 5 बजे, पता नहीं क्या पढ़ता रहता, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। मैं जा रही हूँ मंदिर। सो गाइस, नवरात्रि का फर्स्ट डे है तो मैं जा रही हूँ आज मंदिर मॉर्निंग के 5 बजे ही। ये देखो, तो अभी फल फूल वगैरह नहीं है क्योंकि मॉर्निंग है इसीलिए। और यहाँ मैं फूल तोड़ने जा रही हूँ, यहाँ से मैं रोज़ फूल तोड़ती हूँ। तो यहाँ पास मैं शंकर जी की पूजा वगैरह कर रही थी और ओम नमः शिवाय बोल रही थी। ये मेरे यहाँ की मंदिर, तो मैं यहीं आई हुई हूँ। जा रही हूँ घर वापस से। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे मैं बताई थी ना, तो अब घर वापस। तो गाइस, आज मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ, तो मेरा थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे। तो मैं, ये मेरा छत है, छत की सीढ़ियां हैं, तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जाला वगैरह लगा हुआ था, तो मैं साफ़ सफाई कर रही थी। और यहाँ पास मेरे ईना मीना डी का लोग खेल रहे थे। ये मेरे घर की बिल्लियां हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं, तो बस खेल रहे थे, मैं उनके साथ खेल रही थी। खेलते खेलते काम भी कर रही थी और खेल भी रही थी। और ये है बिल्लियों की माँ, जिसका नाम है मुन्नू, ठीक, इसका निक नेम है मुन्नू। तो मैं सीढ़ी की साफ़ सफाई करते करते जूता चप्पल का जो रैक होता है उसे भी एकदम अच्छे से रखी। और उसके बाद ये है गेट, जो है, जो भी है गेट है, तो यहाँ पास भी मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैं सोची चलो साफ वो कर लेती हूँ, ब्लॉक शूट कर लेती हूँ। तो ये सब है मेरा काम सुबह से। रोज़ तो नहीं करती हूँ सीढ़ी की सफाई, कभी कभी करती हूँ। मैं सोचती चलो कोई नहीं है तो चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो सीढ़ी की साफ़ सफाई होने के बाद फिर मैं आ गई घर पे। घर पे मैं देखी तो ये बच्चे लोग फिर खेल रहे थे द्वार पे। फिर इसके बाद मैं खीरा वगैरह काटी। मुझे खीरा बहुत ज़्यादा इस समय अच्छा लग रहा है, नुकसान नहीं कर, इसलिए मैं खा रही हूँ, नहीं तो ठंडा कर देता। ये मेरा भाई सो रहा है बेहोश एकदम, घोड़ा बेच के। और इधर साइड से, मतलब यहाँ मेरे पापा सो रहे थे एकदम बेहोश, क्योंकि सुबह का बज रहा था 5:30 बज गए थे या 6 बज गए थे शायद, तो सब सो रहे हैं। और मैं इधर अपना बच्चों को देख ताक रही थी, बिल्ली लोग खेल रही थी, मैं वीडियो शूट कर रही थी, और इधर मम्मी सो रही हैं। और खीरा के साथ साथ मैं खाते खाते ये वॉशिंग मशीन में अपने भाई के सारे कपड़े धो रही थी, तो मैं सोच चलो फिर से शूट कर लेती हूँ, कुछ शूट करने को नहीं मिला तो मैं खीरा खाते खाते शूट कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये फास्ट वीडियो है, मैं इतना फास्ट नहीं खा रही हूँ। और यहाँ पास मेरे वॉशिंग मशीन में मेरे इना मीना डी का लोग चढ़े हुए हैं, तो यहाँ पास कुछ खेल रहे थे क्योंकि मशीन चल रही थी, घर घर की आवाज़ आई थी, तो वो उसमें देख रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पास एक सोफ़ा में बैठी हुई है और यहाँ एक मशीन में वो कर रही। इधर मशीन लगाने के साथ साथ मैं इधर बर्तन भी धो रही थी बार बार से किचन में आकर के। उधर मशीन लगी हुई थी 15 मिनट के लिए, इधर मैं आई किचन की साफ़ सफाई वगैरह करी, बर्तन वर्तन धुली, क्योंकि मुझे लगा कि यार मतलब दो काम कर लो एक साथ में ज़्यादा अच्छा होता है, इंसान जल्दी फ्री हो जाता है। तो उधर कपड़े भी धुल रहे हैं और इधर बर्तन भी धुल जा रहे हैं। ये देखो, मैं बर्तन खस खस के धो रही हूँ, वैसे उतना तो साफ़ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, जॉइंट जहाँ से है मेरे हाथ में कंधे में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ कोई भी चीज़ के लिए। यहाँ पास मेरी कल मेरा कलुआ आ गया था, मियाँ मैं चिल्ला रहा था। फिर मेरे कुछ कपड़े धुल गए थे तो मैं गई थी सुखाने के लिए छत में। ये सब जो जितने भी कपड़े हैं आज के, पूरे मेरे भाई के कपड़े थे, पूरे जीन्स, पूरे शर्ट, पूरे लोवर वगैरह। मैं सोची चलो उसका आज एक दिन में पूरा साफ़ कर दिया जाए क्योंकि वो कभी साफ़ करता है नहीं। तो मैं अपने भाई के सारे कपड़े धो ली और कपड़े धोते धोते सुखाते हुए मेरी मुन्नू आ गई, तो मुन्नू के साथ मैं कुछ खेल रही थी और गाना गाने लगी यहाँ पास। फिर मैं पता नहीं कौन सा गाना गाए थे, चलो मैं अभी फिर से कोई सा गाना गा देती हूँ इसको पकड़ के। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा
जाना कहाँ। तो वही मुन्नू मेरा गाना सुन करके डर गई थी, क्योंकि वो मुझे छोड़ के एकदम भाग गई थी ये देखो। तो फिर उसको मैं बुला रही थी प्यार से कि आ जाओ मुन्नू। तो आगे मेरे पास जानवर बहुत अच्छे होते हैं आज के डेट में, सच बताऊँ तो इंसान से ज़्यादा भरोसेमंद जानवर होते हैं। जानवर को सिर्फ प्यार चाहिए होता है तो वो बहुत अच्छे से आपके साथ रहते हैं। और इंसान, इंसान को तो सालों को कुछ भी दे दो, खाने पीने का सामान दे दो या अपना केयरिंग दे दो, आप केयर भी कर रहे हो तो वो तब भी कुछ नहीं समझते। लेकिन जानवर बहुत अच्छे होते हैं, इंसान ज़्यादा भरोसेमंद जानवर ही होते हैं। तो वहाँ पास कपड़े सूखने के बाद फिर से मैं कपड़े वगैरह वो करने लगी थी, यहाँ पास कपड़े फिर से धुलने आ गए थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। मैंने वीडियो में आप लोग को दिखाया था, यहाँ पास मेरी वॉशिंग मशीन की पाइप जो है थोड़ी सी फटी हुई थी क्योंकि मेरे बिल्ली के बच्चे लोग नाखून उसमें लगा दिए थे। तो और ये कूलर के ऊपर सो रहा है मेरा कलुआ, ये बिल्लियों का बड़ा भाई है। और ये मेरे पापा मम्मी है, मेरे पापा यहाँ पर चाय ब्रेड खा रहे हैं। ये सब होते होते फिर मैं आ गई आटा गूंथने के लिए। तो मैं सोची चलो ओके आटा गूंथ लेती हूँ जल्दी जल्दी, उधर से कपड़े धुल ही रहे हैं। तो आटा मैं यहाँ पास गूंथ रही हूँ। ये वीडियो फास्ट है, मैं इतना जल्दी फास्ट काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं दो तीन काम एक ही समय पे दो तीन काम कर लेती हूँ। जैसे उधर सब्जी सॉरी मतलब उधर मशीन लगाई हूँ, कपड़े भी सुखाने जा रही हूँ, इधर आटा भी गूंथ ले रही हूँ, और इसके बाद फिर से मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ, आई मीन बिल्ली के बच्चों को। ये सब सोफे में बेहोश एकदम सो रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनके बाप का घर है, बताओ। फिर यहाँ पास मैं आ गई वापस से अपनी मम्मी को सिखाने के लिए करेली कैसे काटी जाती है, क्योंकि मुझे जो मेरी मम्मी का डिजाइन होता है गोल गोल करेला काटना, वो ऐसे मुझे स्वाद अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। और आप लोग किस तरीके से करेला काटो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दिखाना। यहाँ पास मैं बता रही थी ऐसे 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 कटिंग करना है, मुझे छोटी छोटी एकदम पीसेस अच्छे लगते हैं करेले के। यहाँ पास भी मेरी मम्मी करेली वगैरह कट करने लगी थी। तो यहाँ पास मेरी करेली पक रही थी, ये देखो। इधर बनेगी मुंगा की सब्जी, काहे माही हवा आठ हो रहे हैं, मेरे घर दाल पक गई, इधर सब्जी पक रही है, और इधर है कि ये जा रही है दलिया चगाने। और यहाँ पास मेरे पापा के लिए दलिया बन रही थी। यहाँ पास इतने सारे मैंने कपड़े धोए सुखाए, फिर ये देखो दूसरे छत में भी पूरा, इस छत से पूरे उस छत के मैं अपने भाई के कपड़े पूरा सुखाई हूँ धोई हूँ। फिर मैं वापस से आ गई अपने भाई के लिए रोटी बनाने, क्योंकि उसको लगी हुई थी भूख। या सोफी मैं रोटी नहीं बनाई थी, मैं रोटी बना रही थी घर में सबके लिए। और बालकनी में आके मैं देखी तो मेरा बाबू यहाँ पास बैठा हुआ था चुपचाप से। फिर पता नहीं क्या मुझे याद आया कि मतलब याद क्या आया, आज फर्स्ट डे है नवरात्रि का, तो मैं सोची चलो भगवान के रूम का भी साफ सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ मैं चुपचाप से बैठ गई, अपने भगवान जी लोगों की फोटोज़ वगैरह पोछी पाछी एकदम साफ वगैरह करी, क्योंकि बहुत दिन से उनकी घर की सफाई नहीं हुई थी भगवान जी के यहाँ की। तो मैं सोची चलो क्या भगवान की घर की सफाई कर लेते हैं, जय माता दी, दुर्गा जी का नवरात्रि चल रहा है तो साफ सफाई वगैरह कर लेते हैं। ये राम जी की फोटो है, दुर्गा जी की फोटो है, यहाँ पर शंकर जी की फोटो है, तो मैंने लाइन बाई लाइन सबको अच्छे से रखा लगाया, काफ़ी अच्छा लगने लगा भगवान जी का रूम वगैरह। और यहाँ पास मैं जो दूध लेती हूँ तो दूध वाले अंकल जी के पैसे काउंट कर रही थी, इतने दिन से इतना रुपए और इतने दिन तक मैंने 1 लीटर लिया कि 1.5 लीटर लिया, तो यहाँ पास अब मैं कैलेंडर में लिख उख रही थी और कितने पैसे हुए, मैं ये सब लिख करके जोड़ उड़ रही थी। मुझे हालांकि जोड़ना घटाना भूल सा गया है अब तो, सारी जिम्मेदारी पूरा मेरे ऊपर रहती है, ये सब दूध का खर्चा वगैरह सब कुछ। और इसके बाद ये सब पुराना आप लोग देख रहे हो जो मिरर लगा, सॉरी मिरर कह रहे हो उसको, फ्रेम लगा हुआ है, ये सब पुराने डिजाइन के ये सब शो ऑफ थे घर के सामान सजावट के लिए। अब तो ये सब नहीं दिखते हैं कहीं भी, ये सब पुराने ज़माने के हो गए हैं, आई मीन कुछ साल पुराने, या कितने साल पुराना हो गया मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पास लगता है मैं वीडियो एडिटिंग करना भूल गई थी, कट नहीं करी थी, पूरा ही पूरा वो हो गया। तो फिर यहाँ पास मैं सब फ्रेम वगैरह साफ़ वगैरह कर रही थी, यहाँ पास जितने फ्रेम थे यहाँ पास फ्रेम वगैरह साफ़ करते करते फिर मुझे मेरे भाई की फ़ोटो मिली, जो मुझे मतलब मैं एकदम इमोशनल हो गई, क्योंकि आज मेरे भैया का बर्थडे भी रहता है 9 अप्रैल को। ये मेरे भाई बड़े भैया इंजीनियर थे, मतलब एकदम रो दिए थे, मतलब फ़ोटो देखते ही मतलब क्या हो जाता है, जो चले जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो रह जाते हैं ना वो रात दिन रोते रहते हैं याद कर करके। तो मेरे मम्मी पापा हैं।
हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं। भगवान जितने दिन के लिए रकम भेजता है उतने दिन के लिए रहता है इंसान लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर यहाँ पास में साफ सफाई वगैरह करने लगी, जितना मेरे से हो पाया मैं करी। फिर दोपहर के टाइम, सॉरी दोपहर नहीं, 12 बज रहा था कि 11 बज रहा था, मैं मुनगा करेली और रोटी खा रही थी। यहाँ पास मेरी दोस्त का कॉल आया था, मैं कुछ समय तक बात करी, बात करते करते वीडियो भी शूट कर ली 1 मिनट का, उसको पता नहीं चला कि मैं वीडियो बना रही थी। फिर ये सब हो जाने के बाद अपने भाई के मैंने कपड़े वगैरह लेकर के आए थे, फोल्ड कर रही थी मैं। यहाँ पास रूम की पूरी साफ़ सफाई मैं करने लगी। रूम की साफ़ सफाई करने में जो हालत ख़राब होती है दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में साफ़ सफाई करने वाले सिर्फ हम हैं, बाकी सब गंदा करने वालों में से हैं। तो मैं अपने तरफ से कोशिश करती हूँ, साफ़ करती हूँ जितना होता है मेरे से, तो मैं साफ़ वगैरह करती हूँ, बेड उड अच्छे से रखती हूँ, बेडशीट वगैरह। फिर यहाँ पास मेरा ये ब्लैंकेट है, तो फोल्ड करके मैं रख रही थी। और दोस्तों ये सब मतलब कि हो गया, करती रहती हूँ। यहाँ पास वो मेरे पापा दिख रहे हैं, नहा के निकले हैं, वह पास खड़े थे मम्मी का पता नहीं। फिर यहाँ पास मैं भाई के पूरे कपड़े लाई, जीन्स वगैरह लेकर आई, शर्ट वगैरह लेकर, इतने सारे मैंने कपड़े धुले क्या बताऊँ। पापा को खाना खिलाने के बाद मम्मी यहाँ पास खाना खाई थी, मम्मी से मैं बोली थी मम्मी कुछ तो बोलो, मम्मी कुछ मेरी बोल ही नहीं थी। ये देखो आप लोग सुनो, मम्मी बोलो हाय। नहीं बोलना है। फिर इसके बाद 2 बज गए थे, 2-2.5 बज रहे थे इस समय, शायद 2:35-45 हो रहा था। तो यहाँ पास मैं अपने भाई के सारे शर्ट में प्रेस वगैरह कर रही थी, आयरन कर रही थी, क्योंकि उसके इतने गंदे कपड़े थे कि क्या ही मैं बताऊँ। वो कभी प्रेस वगैरह नहीं करता, मैं सोचा चलो हो गया आज प्रेस वगैरह कर देती हूँ अपने भाई के पूरे शर्ट में। तो यहाँ पास मैं पूरा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पूरी मेमोरी फुल हो जाती है। अभी उतने कपड़े बाकी हैं फोल्ड करके रखा, इतने मैंने प्रेस कर दिए हैं। ये सब भाई के कपड़े हैं, ये पहनने वाले हैं, और ये सब दे दूँगी किसी और को, ये ना पहनने वालों में से। और मैं अभी कुछ टाइम से आराम कर रही थी, अभी ये सब फोल्ड करके रखना है अलमारी में। और यहाँ पास मैं भाई के अपने जीन्स वगैरह फोल्ड कर रही थी, फोल्ड कर करके फिर अलमारी में रख दी थी। ये मेरी बोतल वगैरह पड़े हुए हैं बिस्तर में ऐसे ही। और गाइस मैं एक बात बता रही हूँ, आज जितने मैंने काम किए हैं बहुत ज़्यादा ओवर काम कर लिए थे, और मेरी शाम टाइम हो गई थी, तबीयत ख़राब, मुझे बहुत ज़ोरों का फीवर आ गया था, आप लोग देखना बाद में वीडियो में, मतलब ओवर काम हो गया था। इतना नहीं करती हूँ, कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा हो गए थे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, करना पड़ जाता है। तो आज ओवर ही हो गया, क्योंकि छत में भी पहले मैंने पूरा साफ़ सफाई किया, फिर भगवान का भी पूरा किया, फिर भाइया भाई का भी किया, मतलब सब। फिर ये हो गया रात का टाइम, सॉरी रात का टाइम नहीं था, 3 बज रहा था। यहाँ पास मैं आराम करने के लिए सोची 2:30 बजे कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते, इतने मेरा भाई आ गया। भाई को मैं खाना वगैरह दी, यहाँ पास ये खाना खा था, और इसको नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अगर वीडियो जानता तो ये मुझे बहुत गुस्सा आता मेरे ऊपर। खाना वगैरह खा रहा था, मैं चुपचाप से वीडियो शूट करने लगी। और कुछ शर्ट्स बाकी थे जो कि प्रेस करने थे, मैं थक गई, मैं सोची बाद में करूँगी। फिर ये सब जो है मेरे कपड़े जो मैंने धुले थे अपने कपड़े, तो उसको मैं छत से मैं लेने गई, सूख गए थे पूरे तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क सी धूप थी। तो धूप में मेरा चेहरा, वैसे भी हम तो काले हैं ही, और भी चेहरा काला हो गया, तो मैं सोचती थी कुछ लगाती हूँ अपने फेस में आज, तो मैं लगा रही थी। चलो क्या क्या लगाती हूँ चलो आप लोग को भी साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाई थी हल्दी और बेसन, मैं मिक्स करके एक डब्बे में रखी हुई हूँ, तो इसको मैं लगा रही थी। हल्दी बेसन थोड़ा सा ले लो आप अपने फेस के लिए, और थोड़ी सी हनी ले लो, हनी के साथ साथ आप इसमें यूज़ कर सकते हो एलोवेरा जेल, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और इसके बाद आप मिक्स 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 करते रहो, इतना अच्छे से इसका पेस्ट बना लो कि आप इसे खा सको। खाना नहीं है रे बाबा, अपने फेस में लगाना है, जिससे आप एकदम चमक चमकते हुए हीरा जैसे हो जाओगे। हालांकि मैं कोयला हूँ, कोयला ही रहूँगी, मैं काली थी रहूँगी ही। तो मैं ये अपने फेस में लगा रही हूँ पूरा, हल्दी उल्दी जो मैं आप लोग को बताई, कभी कभी लगा लेती हूँ अगर याद रहा ध्यान में आया। तो ये तो मैं सिर्फ वीडियो शूट कर
निक नहीं लगा रही थी। मैं सोची चलो हो गया लगा ही लेते हैं। और यहाँ पास मैं धूप में आकर के अपना मुंह देख रही थी मैं कैसी दिख रही, एकदम चुड़ैल दिख रही हूँ। फिर यहाँ पास आप मतलब मैं अपना फेस वॉश करी क्योंकि यहाँ ड्राई हो गया था। और जब भी आप इसे धुला करो तो हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मसाज कर लिया करो जो भी आप लगाते हो अपने फेस में, ठीक। और इसके बाद फिर मैं फेस वॉश वगैरह कर ली, फिर आई मैं घर रूम में। तो फिर मैं खाना वगैरह खा रही थी, बज गए थे शाम के 4 बजे। तो मैं खाना वगैरह खाई, मैं मुनगा की सब्ज़ी खाई तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी मुनगे की सब्ज़ी। सब्ज़ी खाना खाने के बाद फिर से मैं सेकंड टाइम बर्तन धुलने लगी। बहुत बर्तन हो जाते हैं बारी बारी से यार, मैं थक जाती हूँ बर्तन धुलते धुलते, इसलिए कभी कभी गुस्सा लगता है तो मैं धोना ही छोड़ देती हूँ। क्या करूँ, गुस्सा लगता है यार, इंसान मैं भी हूँ। तो बर्तन यहाँ पास मैं धुल रही हूँ, बर्तन धुलते धुलते फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे कसम से गाइस। ये जो आज मैं काम करी बहुत ओवर काम हो गया था। और यहाँ पास मेरी मम्मी आती हैं, बालकनी में जाती हैं और पता नहीं उनके पैर के अंगूठे में क्या लग जाता है, बहुत सारा ब्लडिंग होता है, बहुत ज़्यादा खून बहता है। ये देखो आके बैठ गई, पता नहीं क्या हो गया था, जबकि चोट दिख नहीं रहा था कुछ भी और ब्लड इतना ज़्यादा गिर रहा था कि कुछ कहने को, एकदम टपटपाते हुए मम्मी से मैं बोली चोट तो दिख ही नहीं रहा है, एकदम खून खून बस दिख रहा है, क्या हो गया, कहाँ से क्या है क्या नहीं। खैर ठीक हो गया था तुरंत से ही, ब्लड जैसे ही बंद हुआ तो दर्द एकदम ठीक हो गया था और चोट नहीं दिखी, कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या हुआ। बर्तन धोने के बाद शाम के 5 बजे मैं सोची थोड़ा सा आराम कर लूँ, आँख को आराम मैं दी 5 से 10 मिनट। और यहाँ पास मेरी पैकिंग हो रही थी मेरे मम्मी पापा लोग की कहीं जाने की, लेकिन जाना कैंसिल हो गया। इसके बाद मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब। फिर यहाँ के दरवाजा सॉरी मतलब कि फिर बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर से मैं आराम करने लगी। मैं सोची चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मेरी आँखों में काली झाइयाँ ही काली झाइयाँ कैसे हट सकते हैं प्लीज़ आप लोग बताना। शाम के 5 बजे मैं आराम कर रही थी। फिर उसके बाद शाम को 6 बजे मैं जाती हूँ थोड़ा सा बाहर छत पे, क्योंकि थोड़ा माइंड अपना फ्रेश होता है छत में जाने के बाद। देखो मैं और सुनो मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग मेरी वीडियो पर ऐसे ही बने रहना। तो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं तो मैं आई हूँ छत में थोड़ा टहलने, शाम टाइम ऐसी आ जाती हूँ कभी कभी तो अच्छा लगता है, क्योंकि अब तो कुछ अब है ही नहीं करने को, आ जाती हूँ शाम टाइम बस ऐसे ही। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग कैसा लगा है आज का, सुबह से जितना मैं काम कर रही हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम रहता है मुझे, मैं ऐसे हमेशा काम करती हूँ और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आ गया, मैं कुछ ज़्यादा ओवर काम कर ली हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अभी रात का काम बाकी है तो मैं रात का भी ब्लॉग शूट करूँगी, वीडियो शूट करूँगी, तो आप लोग देखते रहना। तो गाइज़ मैं छत पे बैठी हूँ अकेले बैठे बैठे, बस सोच रही हूँ कुछ नहीं, बस यही सोच रही हूँ, बस मैं अपने दोस्तों को याद कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती जानती हूँ। तो बस कुछ नहीं, तो बस सोचते हुए, बस बैठ के सोचते हुए याद कर रही हूँ अपने दोस्तों को। हाँ मिस यू मेरे दोस्त लोग, सभी लोगों को मैं बहुत याद करती हूँ, बहुत मानती हूँ, बहुत चाहती हूँ। और बहुतों में से सिर्फ 2 लोग को मेरी जान है, 2 लोग बहुत प्यार करती हूँ अपने दोस्तों से, और दोनों का नाम यस एस से शुरू होता है, एस से। और दोनों लोग मेरे को मतलब मैं दोनों को बहुत मानती हूँ, दोनों मुझे भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, मिस यू दोनों लोग, बाय। और यहाँ पास मेरे मुन्नू के ईना दोनों साथ में खेल रहे थे, इन लोगों को साथ में खेलता हुआ देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। और रात में मैं खाना का वीडियो शूट करना भूल गई थी तो मम्मी मेरी खाना खाई थी, मैं वीडियो बना ली। और यहाँ पास मेरी बाकी में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे टैबलेट लेना पड़ गया था। और मैं जा रही हूँ सोने, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो, ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय बाय, गुड नाइट।